नमस्कार, मेरा नाम है अपूर्वा प्रकाश और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है दीदी का रंग बिरंगा खजाना और ये कहानी लिखी है रुक्मणी बैनर्जी ने। तो एक शहर के किनारे कुछ बच्चे रहते थे। उन बच्चों के घर के पास एक मैदान था, लेकिन उस मैदान के बारे में कुछ अजीब था। ना तो वहाँ पेड़ थे और ना ही पौधे। दरअसल उस मैदान में कूड़ा ही कूड़ा फैला हुआ था। सारे शहर की गंदगी और कूड़ा उसी मैदान में फैला रहता था। कुछ बच्चे वहाँ पर घूमते थे और उस कूड़े में प्लास्टिक की बोतलें ढूंढा करते थे, कपड़े के टुकड़े ढूंढा करते थे। ऐसा करते करते वो कूड़े के बारे में काफी चीजें जानने लगे थे। एक दिन वहाँ दीदी आती है। दीदी ने अपने गले में लाल रंग का दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। दीदी के पास एक थैला भी था। दीदी ने इधर देखा फिर उधर देखा। दीदी बच्चों को भी बड़े ध्यान से देखती है और वहाँ बैठ जाती है। फिर वो अपने थैले से कुछ निकालने लगती है। उस थैले में कुछ किताबें थी, ढेर सारी किताबें। ये कहानियों से भरी रंग बिरंगी मोटी पतली छोटी बड़ी किताबें थी। बच्चे दीदी को बड़े ध्यान से देखते हैं और उनके थैले से जो ये सामान निकला था उसको भी देखने लगते हैं। पहले वो दूर से देख रहे थे, फिर वो पास जाते हैं, फिर वो देखते हैं ये तो कहानियों की किताबें हैं। फिर वो और पास जाते हैं और दीदी के पास जाके बैठ जाते हैं। दीदी वहां रोज आने लगी थी। बच्चे उनके साथ बैठते और कहानियां सुनते थे। कुछ दिनों के बाद बच्चे अक्षर पढ़ने लगे थे और शब्द भी पढ़ने लगे थे। वो अपनी कहानियां भी सुनाने लगे थे। एक दिन बच्चे दीदी के लिए मैदान को सजाने लगते हैं और कूड़े में से एक कुर्सी और एक टेबल लेकर आ जाते हैं। कोई गलीचा लाता है तो कोई पर्दा लेके आता है। कोई बच्चा किसी सामान का टूटा हुआ टुकड़ा ले आता है और उसको वहां सजा देते हैं। कचरे में जो भी मिला था बच्चे वो सब कुछ ले आए। फिर एक दिन दीदी वहां नहीं आई। बच्चे उनका इंतजार करते रहे, लेकिन दीदी अगले दिन भी नहीं आई और फिर उसके अगले दिन भी। बच्चे दुखी हो गए थे, लेकिन दीदी का इंतजार करते करते वो किताबें पढ़ने लगे। एक किताब, फिर दो किताब और फिर ढेर सारी किताबें पढ़ी। बच्चों को एक दिन किताब पढ़ते पढ़ते दीदी का पता मिला एक किताब के अंदर। तो बच्चे तभी दीदी को खोजने निकल जाते हैं। रास्ते में बच्चों को बस दिखती है तो बच्चा बस का नंबर भी पढ़ लेता है। फिर वो सड़क का नाम भी पढ़ना जान गए थे। फिर बच्चे दीदी को इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, लेकिन दीदी तो मिल ही नहीं रही थी। तो वो थक कर वापस जाने ही लगे थे कि उन्हें एक खिड़की पर एक लाल दुपट्टा दिखता है। बच्चे समझ जाते हैं कि ये दीदी का ही दुपट्टा है। असल में कुछ दिनों से दीदी बड़ी बीमार थी और वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। दीदी को डॉक्टर ने दवाइयां भी दी थी, लेकिन दीदी ठीक नहीं हो रही थी। ना वो मुस्कुराती थी और उनके चेहरे से भी चमक चली गई थी। बच्चे दीदी के पास जाते हैं और उनको गले से लगाते हैं। और उन्होंने अपने साथ थैला भी लेके आए थे जिसमें ढेर सारी किताबें थी। और वो थैला खोल लेते हैं और उस थैले में से किताबें निकालकर दीदी को पढ़कर सुनाने लग जाते हैं। दीदी फिर से मुस्कुराने लगी थी और उनकी आंखों में चमक भी वापस आ गई थी।
अब दीदी वापस मैदान आने लगी थी। बच्चे भी वहाँ इकट्ठे होने लगे थे। वो खूब मजे करते, हंसते, मुस्कुराते और कहानियों की किताबें पढ़ते। वो खूब मौज मस्ती करते थे, दीदी, बच्चे और उनकी किताबें। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आप भी किताबें पढ़ते हैं? आपकी सबसे मनपसंद कहानी की किताब कौन सी है? अपनी टीचर और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी।